सभी को नमस्ते, सभी को नवरात्रि की जय, जय माता की, जय माता की, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम जा रहे हैं पीर बाबा मंदिर, जो है राजा गार्डन में, दिल्ली के राजा गार्डन में। तो मैं क्या बताऊं आपको, मुझे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं पीर बाबा मंदिर जाए हुए। तो एक अंदर से होता है ना, पहले मैं जो थी रेगुलर हर वीरवार को मंदिर जाती थी, लेकिन 2-2.5-3 साल से बिल्कुल भी मैंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया है। तो अंदर से बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था कि सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस एक ईश्वर का ही नाम लेने के लिए टाइम नहीं है। तो मैंने उस चीज़ को मैनेज किया और मैंने कहा आज कुछ भी हो जाना ही जाना है। हमने जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इन 3 सालों के अंदर मंदिर के अंदर बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए हैं। मूर्तियों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें की गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं। मंदिर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था, सारी मूर्तियाँ बहुत सुंदर लगती है। देखिए देवी माँ कितनी प्यारी लग रही हैं, देवी माँ की मूर्ति मैं तो बस देखते ही रह गई। मीशू बहुत खुश थी मंदिर में आने के बाद, बस मम्मी मुझे ये घंटी बजानी है, मम्मी मुझे वो घंटी बजानी है। और यहाँ पर ये हमारे कुछ मैं ठीक से जानती नहीं हूँ इनके बारे में, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ इनकी अहमियत रही है, तभी ये यहाँ पर हैं आज। और इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है पूरे रजौरी गार्डन, राजा गार्डन के अंदर बहुत मानते हैं लोग यहाँ पर। लोग इस मंदिर को बहुत वीरवार के दिन बहुत बड़ी तादाद में भीड़ होती है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। बहुत सारी इच्छाएं जो है पूरी होती हैं, मेरी भी हुई हैं, इसीलिए मैं बहुत मानती हूँ। सारे देवी देवता जो हैं वो अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, देर या सवेर, देर है अंधेर नहीं है, ये तो आप और हम सभी जानते हैं। हाँ, कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो ईश्वर शायद नहीं कभी पूरी करता है, क्योंकि ईश्वर की नज़रों में वो सही नहीं होती हैं और हमारी नज़रों में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन ईश्वर जानता है कि अगर आज ये इच्छा पूरी हो गई तो इसका रिज़ल्ट आगे जाके अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए वो हमारी इच्छा वो पूरी नहीं करता। तो निराश नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि सब कुछ अच्छे के लिए भी नहीं होता, उससे बहुत कुछ जो है ख़राब भी हो जाता है। तो आगे ईश्वर की मर्ज़ी। इन नवरात्रों में बस मैं यही चाहती हूँ, ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि बस अब कोरोना नाम की परेशानी दोबारा ना आए, क्योंकि बहुत कुछ बिगड़ गया, बहुत कुछ बर्बाद हो गया, लोगों का लुट गया। लुट गया मतलब लोग दुनिया से चले गए, कुछ लोगों की जान चली गई, उनका परिवार बिखर गया, मैंने वो सब देखा है, आप लोगों ने वीडियोज़ भी देखे होंगे। और बस कोरोना वापस ना आए, आज तो मैं यही एक बात कहने आई हूँ, क्योंकि अभी ही सब कुछ ठीक हुआ है और अभी से ही होने लगा है कि कोरोना शायद फिर से उसके सिम्टम आ गए हैं, वहाँ आ गए हैं, वहाँ आ गए हैं। तो थोड़ा सुन के न्यूज़ में डर लग रहा था, तो मैं ईश्वर से यही कह रही थी कि प्लीज़ भगवान जी अब ऐसा कुछ भी ना हो और सब कुछ नॉर्मल ही रखना। मीशू बहुत थक गई थी और अब ना यहाँ आरती शुरू हो गई थी, 7 बज चुके थे, तो मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बाहर से लगा दिए गए थे, तो हम बैठ गए थे, हमने पूरी आरती जो है वो सुनी, बहुत शांति से इंजॉय किया इसको, बड़ा सुकून मिला मुझे। और लगभग 1 घंटा हमें पूरा इस मंदिर में लगा, और उसके बाद हम रात को 8 बज चुके हैं, ज़्यादा ही हो गया, तो मुझे जाना था, अंधेरा हो रहा है, तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा आपको मंदिर का दरबार भी दिखाते हैं, प्रवेश द्वार दिखाते हैं। तो ये है हमारा पीर बाबा मंदिर का द्वार। जो लोग मंदिर जाते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को ये मंदिर पता है, और लाइक कमेंट शेयर जो भी है आपकी मर्जी।